हेलो दोस्तों, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग जो भी मॉडल बाय करते हैं, कभी हम लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं तो मटेरियल मिसिंग आता है। वो क्यों होता है और किस लिए होता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्स्चर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। जैसे कि याला मॉडल है, मैं इस मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको लिया था एंड उसको मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ, जैसे कि ये लिंक मिला मुझे एंड इसको डाउनलोड किया, यहाँ से डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद मेरे को मिला ये डाउनलोड फाइल, इसको मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे को मिल गया ये फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर ये है इसके प्रीव्यू, इसके अंदर मेन है फाइल, मैक्स फाइल और मैप फाइल इधर पे है, टेक्स्चर्स में है, ठीक है। तो अभी जैसे ये सिटी वाला जो ये फाइल है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? उसके बाजू में उसका मैक्स, उसका मैप का फोल्डर है, क्योंकि उसके साइड में है तो उसको समझ जाएगा कि इसके बाजू में ही है, तो यही मेरा मैप फाइल है, ठीक है। इधर से पाज में से वो फाउंड कर लेगा, ढूंढ लेगा, सर्च कर लेगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्टली मैंने ओपन किया इसको, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉपर टेक्सचर आ रहा है इधर पे, ये इसके प्रॉक्सीज भी दिख रहे हैं, प्रॉक्सी यानी पीपल प्रॉक्सीज, जो इसके पीपल प्रॉक्सी बने हुए थे। ये पीपल प्रॉक्सी को मैं शो कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए पीपल प्रॉक्सी बने हुए हैं इधर पे, तो ये भी हम लोग को सारी सारी चीज़ें शो हो रही है। तो अभी अगर मैं इस फाइल को ओपन करने के बजाय अगर मैं इस फाइल को इम्पोर्ट करूँगा तब क्या होगा? तब जैसे इस फाइल को मैं इंपोर्ट करने के बजाय, इस फाइल को ओपन करने के बजाय इस फाइल को इंपोर्ट करूँगा, यानी कि मर्ज करूँगा किसी एक फाइल में। जैसे सपोज मेरा एक फाइल बना है, जैसे कि मेरा बिल्डिंग है, दो तीन बिल्डिंग बने हुए हैं, टॉरस वगैरह कुछ भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इधर पे इसके अंदर मेरे को इसको इम्पोर्ट करना है, यहाँ पर इस फाइल को, यानी कि इसको इम्पोर्ट करना है, यानी मर्ज करना है। तो वो मैं कैसे करूँ? डायरेक्टली हम लोग मर्ज कर सकते हैं, ड्रैग करके ही मर्ज कर सकते हैं, मगर उस जगह पर क्या होगा आप देख सकते हो। अभी जैसे मैं मर्ज पे दबाता हूँ तो इधर पे जब मैं क्लिक करता हूँ फिर इसको देखता हूँ, ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई है। देख सकते हो डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं एंड कार भी मिसिंग है, बॉक्स बॉक्स दिख रहा है और काफ़ी ही समझ नहीं आ रहा है क्या कामजाम हो रहा है इधर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग हो गई इधर पे, ऐसा क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपरली पता नहीं है 3D Max को कि अपना मैक्स फाइल रखा किधर पे है। हम लोग जब ओपन करते हैं तो उसको पता है कि बाजू में से चाहिए, जब हम लोग मर्ज करते हैं तो उसको समझ नहीं आता है कि हम लोग का मैक्स फाइल उसके बाजू में ही मैक्स फोल्डर में है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आपको, इस केस में हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसका पाथ सेट कर सकते हैं कि ये पाथ है किधर पे, 3D Max को बता दे कि ये पाथ इधर पे है, इसका मैप का फाइल इधर पे है, इसको एक बार बता दें तो जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिसिंग होगा ही नहीं। जो अगर समझ लो ये फाइल मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो इस मैप फाइल का लोकेशन मैं अपने 3D Max को बता दूंगा, इसका मैप यानी इसका टेक्सचर है किधर पे, तो ये फिर बार बार मिसिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? जैसे इसका मैप फाइल का लोकेशन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने डाउनलोड में ही रखा हो, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 3D Max में जाना है, आपको कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है, इधर भी जाना है, आपको यूज़र पाथ में जाना है, फिर जाना है एक्सटर्नल फाइल, फिर इधर पे करना है ऐड, ठीक है। ये क्या होता है, आपका जो भी मैप फाइल का लोकेशन आप यहाँ पर बता सकते हो, ऐड किया लोकेशन एंड जो भी लोकेशन मेरे को पता है कि मेरा डाउनलोड फोल्डर में है, मैंने अभी भी डाउनलोड किया हो, तो यहाँ पर अगर मैंने गलती से यहाँ से रिमूव कर दिया ये मैप फाइल तो फिर से मिसिंग होगा। तो उसको आपको बताना होगा कि जहाँ पर मैंने दोबारा डाला हूँ तो उस जगह का लोकेशन मेरे को इसको देना पड़ेगा, ठीक है, 3D Max को, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा मैंने रखा किधर पे हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने डाउनलोड फोल्डर से लिंक दे लिया हूँ, अगर आपने कहीं और डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, सी ड्राइव में डाल दिया फाइल को तो उधर पे उसको मैप फाइल का लोकेशन बता दो एक बार, ठीक है। मैप फोल्डर का लोकेशन देखो मैंने आप दिखा दिया, देखो यहाँ पर जाके यूज़र पाथ में जाके, यूज़र पाथ के बाद फिर यहाँ पर आ गया मेरे मैप फाइल का लोकेशन, ये देखो डाउनलोड एंड ये रहा मैप फाइल, ठीक है। इधर मैंने ऐड कर लिया, यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है, हो गया। ये देखिए अगर मैं इसको मर्ज करूँगा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या ओपन करूँगा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होने वाली कहीं पे भी यूज़ करूँ। मगर मेरे को ध्यान रखना है कि मैं वो पाथ को डिलीट ना करूँ, अगर वहाँ से मैंने हटा के कहीं और रख दिया तब मिसिंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं रहेगा कहाँ पर रखा है टेक्स्चर एंड मैप फाइल। ये देखिए पूरा प्रॉपरली ओपन भी हो गया है, ठीक है, नो मिसिंग। इसको फिर से मैं मर्ज करके दिखाता हूँ, ये तो मैंने शायद से ओपन कर दिया था मैंने इसको,
ठीक है, मैं अभी मैं इसको करता हूँ मर्ज। क्लिक करता हूँ, ये मेरा यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हो सारे सारे मर्ज हो गए। अभी आप बोल रहे काफ़ी डॉटेड दिख रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा फाइल है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका व्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को क्लीन दिखे। तो क्लीन दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्थोग्राफिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें नज़र आ रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें नज़र आ रही है अभी इसको। यस, अगर मैं इसको प्रस्पेक्टिव करूँगा थोड़ा सा ऐसे जिगजैग होता है, तो ये जिगजैग क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल है इसके वजह से ऐसे हो रहा है। अभी तो अभी क्लीन दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है प्रस्पेक्टिव में, दूर करने प्रॉपर दिख रहा है ना, क्योंकि काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी फाइल है ये। अभी ये देखिए हम लोग का इम्पोर्ट हो गया बिना किसी टेक्सचर मिसिंग के। अभी थोड़ा सा ऐसे जिगजैग हो रहा है, इसका कुछ नहीं पंगा है, ये तो बस हम लोग को अपना व्यूपोर्ट का थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा। इसके व्यूपोर्ट को हम लोग को थोड़ा सा इसका क्लिपिंग सही करना पड़ेगा। का क्लिपिंग मीन्स थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो हल्का सा, देखिए अभी क्लीन हो गया इस एयर, यहाँ पर से मैंने थोड़ा सा ऊपर किया ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। अभी स्मूथ चलेगा, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन दिख रही है, यहाँ पर काफ़ी स्मूथ दिख रहा है और पीपल भी नज़र आ रहे हैं। पीपल भी प्रॉक्सी से बनाया गया है और ये कार भी प्रॉक्सी में ही किया गया है। प्रॉक्सी को आपको मैच में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वो सब सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाया हूँ मैंने, और ये भी आपने देख लिया वो भी मैंने बता दिया था। ये है एक बॉन्डिंग बॉक्स से बनाया हुआ था फाइल, और बॉन्डिंग बॉक्स करेंगे तो बॉन्डिंग बॉक्स बन जाएगा। और ये है, इसको भी हम लोग बॉन्डिंग बॉक्स से निकाल सकते हैं इस तरह से। और ये है पूरा प्रॉक्सी फाइल, तो ये प्रॉक्सी को पहले तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा वन, ये पूरा ग्रुप में था और पहले ऐसे फाइल है। अभी ये देखो ये दिख रहा नहीं है आपको अच्छे से, तो आपको होल मैश कर देना है, तो ये देखो आपको होल मैश भी दिखाई देगा। और दूसरा एक ऑप्शन है, तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है जो अभी तक का। ठीक है, ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग का टेक्सचर जो मिसिंग होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार आपने सेट कर दिया तो आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप सेट कर दोगे तो पहले आपको एक पाथ दे देना है उसको, कि वो पाथ दे दो एक बार, तो फिर आपका टेक्सचर मिसिंग होगा नहीं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।